मैं जो है, क्योंकि ये हमारे बीएस फोर ईयर की बच्ची है, उनका थीसिस डिस्प्ले है। बेशक ये एक बहुत महंगा शौक है, लेकिन ये कि ये एक बहुत पॉजिटिव थिंक है कि आप जो है वो बच्चियां इस किस्म का सब्जेक्ट लें। वरना तो आपने देखा कि ज़्यादा ट्रेंड यही होता है कि वो कंप्यूटर साइंस ले लें, मैनेजमेंट साइंस या लाइफ साइंस। फाइन आर्ट्स जो है वो बहुत पॉजिटिव, और इसमें आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत काम हो सकता है। आप अपना बिजनेस सेट कर सकती हैं, आप आगे बहुत सा काम कर सकती हैं। और एक बच्ची ने एक एक पेंटिंग के ऊपर कभी कभी 8-8 महीने 9-9 महीने लगाए हैं, और अपना जो भी उसके जहन में माइंड में थीम था उसको एक्सप्रेस किया हुआ है। ये बहुत अच्छा इन्होंने काम किया हुआ है, और ये देखेंगे, इसको मैं कोशिश करूँगी कि हम इसको कराची में डिस्प्ले भी करवाएं इन बच्चियों का अच्छा काम, और ये आगे भी इनके लिए बहुत कामयाबी होगी। लेकिन अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। आप देख लें, अगर आपने पूरे को चक्कर लगाया तो आपको एक डिप्रेस फीमेल नज़र आएगी। जब जिस एज की ये बच्चियाँ, उसमें तो उनके लिए बहुत फ्रेश चीज़ें होनी चाहिए कि उनको नेचर से प्यार होना चाहिए, चांदनी हो रात। लेकिन आप ये देखें कि इसके अंदर वो डर रही हैं, चाइल्ड अब्यूज़ से डर रही हैं, किसी जगह के ऊपर वो अपने आप को सिक्योर कर रही हैं, कहीं वो डिप्रेशन में गई हुई हैं, कहीं पानी में अपने आप को तलाश कर रही है। ये सोसाइटी को अच्छी तरह से इस चीज़ से अंदाज़ा लगाना चाहिए कि आपने अपनी फ़ीमेल को कैसे बाउंड किया हुआ है। आप अपनी फ़ीमेल को आज़ादी नहीं देते हैं, आप उनको इजहार का हक नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं इस फॉर्म के अंदर। यकीनी बात है, जो बच्चियां जो यकीनी बात है, आज ये यहाँ है, कल ये अपने घर बनाएंगे, अपने इलाकों में जाएंगे। अगर वो इस किस्म की माइंड लेके जाएंगी तो आप बताएं, वो तो अपने बच्चे को भी सिक्योर कर करके पालेंगे। तो वो जो ओपननेस होती है, जिससे सोसाइटी ग्रो करती है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट होती है, वो हम रोक रहे हैं। इसलिए हमें अपनी बच्चियों को देना चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें, और ये एक अच्छा तरीका है। छुपे तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं, क्योंकि लेकिन अच्छा तरीका है ये वाला। थैंक यू। अच्छा लग रहा है कि हमारी बच्चियों ने जो है काफ़ी मेहनत की है, यहाँ पर बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई हैं। अपने ख्यालात का इजहार उन्होंने जो पेंटिंग्स और रंगों के ज़रिए किया है, जिसमें जो है डिप्रेस माशरे को दिखाया है, डिप्रेस माशरे की अक्कासी की है कि किस तरह हमारे सूबे में ख़वातीन किन मसाइल से दो चार हैं। तो इस तरह के एग्ज़िबिशन होने चाहिए ताकि बच्चियों को जो है अपने ख्यालात का इजहार इस पेंटिंग्स के ज़रिए करने का मौका मिले। तो आज SBK में जो एग्ज़िबिशंस है, आई गेस ऐसा प्लेटफॉर्म हमारी यूनिवर्सिटी या बलूचिस्तान की लड़कियों को देना चाहिए, बिकॉज़ ज़्यादातर पाकिस्तान में ये है कि वो लोग बोलते हैं कि बलूचिस्तान की लड़कियों में ज़्यादा टैलेंट नहीं है, उनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते। बेसिकली यहाँ बहुत टैलेंट है, एज़ यू कैन सी। तो आई गेस ऐसा होना एज एग्ज़िबिशन ज़रूरी है, और ये प्लेटफॉर्म हमारी लड़कियों के लिए कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो आई गेस मैं ये सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे भी पाकिस्तान के बाकी गवर्नमेंट वगैरह को इस तरफ भी अटेंशन अपनी दे देनी चाहिए।